Dear students, Assalamu Alaikum. In our previous lessons, we have covered most of inventory and how to correct our inventory based on physical count. For that, we utilize the physical inventory worksheet. But there are also other occasions on which we have to adjust the value of our inventory. It may happen that our inventory is devalued for certain reasons. और इट कैन बी रीवेल्यूट फॉर अनदर सेट ऑफ रीजंस कोई भी वजह हो सकती है कि हमें अपनी इन्वेंटरी को री एवेल्युएट करके उसकी वैल्यूएशन ठीक करनी पड़ती है आम तौर पर यह काम हायर मैनेजमेंट का होता है और वो डिसाइड करती है कि ये काम कब करना है बज़ दफ़ा हमें किसी सरकारी हुक्म से किसी जजमेंट के तहत ये काम करना पड़ता है और उसको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें इजाज़त चाहिए होती है हायर मैनेजमेंट की और हायर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की इसके बगैर रीवेलुशन ऑफ इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं है इसकी तरीक़ेकार हमारे पास क्विक बुक्स में मौजूद है लेकिन वंस अगेन जैसे कि मैंने आपको इसका फिज़िकल काउंट ठीक करने के लिए बताया था कि जब भी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट आएगा जिसमें फिजिकल काउंट करेक्टेड होगा तो वो साइन और स्टैम्प्ड हायर अथॉरिटी से होना ज़रूरी है जो बंदा ऑथराइज है वही सिर्फ इसका हुक्म दे सकता है कि आप अपना काउंट या वैल्यूएशन ठीक करें होता यह है कि बज़ दफ़ा हमारी इन्वेंट्री किसी भी वजह से अंडर वैल्यूड होती है और एक्सटर्नल ऑडिट में इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई जा सकती है और बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हमसे कह सकती हैं कि आप अपनी वैल्यू ठीक करें जिसमें मिसाल के तौर पे आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं और कोई भी आपके कोर्ट्स आपको ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आप अपनी वैल्यूएशन ठीक करें ये भी हो सकता है कि आप फैसला करें और अकाउंटेंट से और एज़ पर लॉ आप अपनी री एवेल्युएशन करके अपनी वैल्यू ठीक करें आमतौर पर होता तो ये है कि हमारी वैल्यू बढ़ जाती है लेकिन बाज़ केसेस में वैल्यू घट भी सकती है उसकी रीज़न ये हो सकती है कि हमारा जो माल पड़ा हुआ है वो अब आजकल अपसिलीट हो गया है लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते जब उसे इस्तेमाल ही नहीं करते और बहुत कम इस्तेमाल होता है एज ए रिप्लेसमेंट पे जिस जहाँ ये चीज़ पहले इस्तेमाल हो रही हो जब भी इस तरह का कोई माल आपके पास पड़ा हो तो उसके एज पर करंट वैल्यू वैल्यू कर दिया जाता है और अगर आपके पास कोई चीज़ पड़े पड़े उसकी वैल्यू बढ़ जाए और हुकूमत की तरफ से आपके ऊपर ये कहा जाए कि इसकी आपने री वैल्यू करनी है तो उस केस में हम इसे री वैल्यू करते हैं आम तौर पर री वैल्यूएशन आपकी इन्वेंट्री की नहीं होती ओनली एज पर लॉ ये की जा सकती है दिस इज़ अनलाइक योर फिजिकल ऑडिट ऑफ काउंट काउंट हम ठीक कर सकते हैं वैल्यूशन हमें कहीं ना कहीं बाहर से इसके लिए ऑथराइजेशन कंपलसन होनी चाहिए कि ये करना है और वंस अगेन जब भी हमें ये करना होगा हमें रिकॉर्ड ज़रूर करना है क्योंकि अकाउंट्स बगैर रिकॉर्ड के चलते ही नहीं आइए हम अब चलते हैं और क्विक बुक्स में देखते हैं कि हम अपनी वैल्यूशन को किस तरीके से करेक्ट करें जब हम अपनी वैल्यूएशन ठीक कर रहे होंगे तो अनलाइक फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट हमारे पास कोई और डॉक्यूमेंट आएगा और ये अकाउंटेंट अपने सामने बैठ के वैल्यूएशन ठीक करवाएंगे हम उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड वैल्यूएशन ठीक नहीं होगी हम ये एक्सरसाइज अपने पास करेंगे तरीक़ाकार वही होगा जो फ़िज़िकल इन्वेंट्री करेक्ट करने का फॉर्म वही इस्तेमाल करना है लेकिन किस तरीके से होगा आइए देखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तमाम चीज़ें हमारे वेंडर की लिस्ट में आती हैं तो वेंडर के पास आपने वेंडर एक्टिविटी इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ देखनी है इसके अंदर हमारे पास वंस अगेन एडजस्ट क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑन हैंड का आपने सेलेक्ट करना है और ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी लास्ट टाइम हमने फिज़िकल इन्वेंट्री करेक्ट की थी उस फॉर्म का नंबर था वन ऑटोमेटिकली अब नंबर उसका टू आ गया और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के नाम से एक एक्सपेंस अकाउंट बनाया था अगर हमारी वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी एक्सपेंस कम होगा अगर हमारी वैल्यू इन्वेंट्री की घट रही है तो हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होगा ये ज़रा आप अच्छी तरह समझें क्योंकि हमारी वैल्यू बढ़ने से हमारा नुकसान कम होता और हमारी वैल्यू घटने से हमारा नुकसान बढ़ता है हमने ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री एडजस्टमेंट क्योंकि सिलेक्ट किया हुआ है वो हमें नज़र आ रहा है और हमने अब जाके वैल्यू करेक्ट करनी है अपने सीमेंट की हम वो वाली सीमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू बढ़ गई है और जैसे हमने सेलेक्ट किया यहाँ उसकी पूरी डिटेल आ गई अब आपको पता है कि हमने क्वांटिटी इसकी करेक्ट नहीं करनी हमने इसकी टोटल वैल्यू सेट करनी है आपको याद होगा कि हमारे पास जब ये लास्ट बिल आया था तो उसमें हमने इसकी कुछ ना कुछ करेक्शन की थी और इसकी प्राइस हमें जो आई थी वो 850 से बढ़ के नौ सौ हो गई थी हम आसानी के लिए नई वैल्यू इसकी एक हज़ार रुपये फी बोरी डाल लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में हमें आसानी हो नई वैल्यू जो इसकी आई है बेस्ड ऑन वन थाउजेंड रुपी पर बैग वो है जी टू नाइन्टी फाइव जैसे ही हमने ये नई वैल्यू डाली ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम ने बताया है कि टोटल वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब है कि ये आपकी वैल्यू एसेट की बढ़ गई है और एक्सपेंस कम हो गया नीचे जो चीज़ आपको बता रही है वो बता रही है नंबर ऑफ आइटम एडजस्टमेंट हमने सिर्फ एक आइटम एडजस्ट किया है और वो है वाइट सीमेंट उसकी बुरी कीमत बढ़ गई है तो हमने अपने पास भी उसे बढ़ा लिया है जैसे ही हम ये बढ़ाएंगे ये हमने सिर्फ वैल्यू के ऊपर उसको करेक्ट किया है लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने इसे फिजिकल काउंट के ऊपर करेक्शन की थी जब आप इस पर अपना डेटा एंटर कर लें और इसको अपने अकाउंटेंट से वेट करवा लें यू कैन सेव एंड क्लोज इट लेकिन वंस अगेन सारी एम्फेसिस इस बात पे है कि दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू इसे आपने अपनी मर्जी से कभी नहीं करना है ये आपको तरीक़ेकार बता दिया गया है लेकिन इसको इन्वोक सिर्फ और सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है जब आपका अकाउंटेंट और मैनेजमेंट ने आपको ये चीज़ करने को कहा हो और आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो कि उन्होंने ये एक्सरसाइज करवाई है रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा लेकिन आपके पास फिजिकल प्रूफ होना ज़रूरी है इसका क्योंकि दिस इज समथिंग विच नीड्स टू तो बी डन ओनली आफ्टर प्रॉपर ऑथराइजेशन आज के लेसन में हमने वो तमाम तरीके अपने देख लिए हैं जिसके तहत हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं अपने पास कंप्यूटर के अंदर हम फिजिकल काउंट भी बढ़ा सकते हैं हम रीवैल्यूएशन भी कर सकते हैं लेकिन एवरीथिंग नीड्स टू तो बी रिकॉर्डेड बार बार मैं इस पर एम्फोसाइज इसलिए करता हूँ कि बगैर रिकॉर्ड के कोई भी सिस्टम नहीं चलता भले वो किसी टाइप का भी हो और अकाउंटिंग का सिस्टम तो बग़ैर रिकॉर्ड के चल ही नहीं सकता एवरी रिकॉर्ड हैज़ टू बी जस्टिफाइड एंड लिंक्ड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था फ़िज़िकल इन्वेंट्री चेंज करते वक्त आपने ऑथराइजेशन ली थी फिज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट के ऊपर और उसकी रीवैल्यूएशन के लिए भी आपको कोई ना कोई रीवैल्यूएशन फॉर्म आपको दिया जाएगा जो कि ऑथराइज होगा आपके मैनेजमेंट से और हेड ऑफ़ अकाउंट से क्योंकि इसके बगैर आप रीवैल्यूएशन खुद से नहीं करेंगे हमने सिर्फ आपको प्रोसीजर बताया है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है दिस शुड नॉट बी अंडरटेकन बाय यू अनलेस एन अंटिल कंप्लीटली ऑथराइज बाय द right authority in person thank you so much